अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कोमल नकवी। प्रोग्राम टी टाइम विद कोमल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा, अक्सर मैं आपको डिफरेंट कैटेगरी के लोगों से मिलवाती रही हूँ, ठीक है। आज जिस गेस्ट को, बल्कि दो गेस्ट जिनको मैं आपसे मिलवाने वाली हूँ, काफ़ी जानी मानी शख्सियतें हैं। डिफरेंट चैनल्स पर आपने उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखे हैं। इनफैक्ट वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। अच्छे आर्टिस्ट होने के साथ साथ वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं। देखिए, आर्टिस्ट का क्या है कि डिफरेंट कैटेगरीज में हमारे पास रोल होते हैं, हमारे पास जिन्हें हम निभा रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें निभाने के साथ साथ आपको अच्छा इंसान होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो जिस ज़बरदस्त किस्म के आर्टिस्ट से आज मैं आपको मिलवा रही हूँ, वो न सिर्फ बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो मैं तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और काफ़ी टाइम के बाद हमारी मुलाकात हुई है, तो हम करने वाले हैं मज़ेदार किस्म की गपशप उनके साथ। तो आपको आज मैं मिलवाने वाली हूँ मोहम्मद अदनान आमिर से। अस्सलाम वालेकुम अदनान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं कोमल आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसे हैं? काफ़ी टाइम के बाद हमारी मुलाकात हुई। हाँ, बातचीत तो होती रहती है, लेकिन ना कभी आपके पास टाइम ना कभी मेरे पास टाइम, क्योंकि मसरूफियत इतनी होती है। मीडिया बहुत ज़्यादा है, मसरूफियात इतनी ज़्यादा है नाज़रीन कि हम किसी को टाइम नहीं दे सकते। लेकिन आज हमने बड़ी मुश्किल से, मौसम आपको पता है कि कराची का कैसा हो चुका है, उसके बावजूद आज हमने इनको पकड़ ही लिया कि नहीं, आज आपने लाजमी हमारे पास आना ही है। अच्छा, इसके साथ एक और भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के आर्टिस्ट हमारे पास मौजूद हैं, उनका भी तारुफ मैं आपसे करवाती हूँ ताकि फिर हम जो है वो अपनी गपशप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाजिया मोइन। शाजिया, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और बताइए क्या चल रहा है वेदर के हिसाब से? आजकल तो मौसम एंजॉय कर रहे हैं कराची का, आपको पता है कितनी मुश्किलों से यहाँ बारिश होती है, बहुत मुश्किल। अब जो हुई है तो वो तो फिर और ज्यादा रुकने में ही नहीं आ रही है, बिल्कुल बहुत ओवर हो गई है, बहुत ज्यादा ओवर। हमने बहुत एंजॉय किया, अल्लाह ताला बस रहमत की बारिश दे। आमीन आमीन, बिल्कुल। वैसे कराची में तो बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन जब होती है तो वापस आने का नाम नहीं लेती। लेकिन खैर, आप मौसम को एंजॉय करें हमारे साथ, क्योंकि टी टाइम है हमारे साथ। तो अदनान है हमारे साथ, शाजिया हैं, इनसे हम मज़ेदार किस्म की गपशप करेंगे। तो अदनान, एक्टिंग कैसे स्टार्ट की, किससे इंस्पायर थे? अच्छा, लोग इस फील्ड में खासकर आते हैं शौकिया, वो कहते हैं कि जी हमें पैशन है, हम बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, हमें मौका नहीं मिल रहा। अच्छा, मेरी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा, तो अगर मैं शेयर करना चाहूँ, मुझे थोड़ा सा मौका दें। ज़रूर ज़रूर। अगर मैं ये कहूँ कि ना मुझे एक्टिंग का पहले दिन शौक था, ना आज शौक है, तो लोग इस बात पे बड़े। एक्टिंग कैसे स्टार्ट की? बस कुछ पास्ट में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए मेरी लाइफ के, या आज मैं ऑन पब्लिक बताने जा रहा हूँ कि मैं खुद फोटोग्राफी करता था और प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। फिर कुछ हालात ऐसे हुए कि मुझे अपना सेटअप ख़त्म करना पड़ा। अच्छा। ये 2014 की बात है। 2014 में बिजनेस सेटअप ख़त्म हुआ, तो जाहिर है फिर आपको पता है कि लॉस होता है। कुछ अरसे बाद ही मेरे डेढ़ एक महीने बाद फादर की डेथ हुई, तो वो एक दूसरा मैं उसमें आया क्राइसिस में। अच्छा, और फिर डेढ़ एक महीने बाद ही हमारे रिलेटिव्स हैं, मैं उनके यहाँ था, तो वहाँ पे एक डकैती हुई, तो मैंने स्टैंड ले लिया मैंने अगेंस्ट, मुझे बुलेट्स लगी। ये इस वक्त मेरी सेकेंड लाइफ है। तो मतलब डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था कि शायद ही मुश्किल है कि ये बच पाए। अब ये जो तीन झटके मुझे एक साथ लगे हैं मेरी लाइफ के, इसने मुझे टोटली ख़त्म कर दिया। अच्छा। और फाइनेंशली भी गया, मॉरली भी गया, फिजिकली मेडिकली भी मैं ख़त्म हो गया था, और बिल्कुल जहन तो ख़त्म हो ही चुका था। अब 6 महीने लगे मुझे वापस आने में, रिकवरी में। 6 महीने बाद जब मैं रिकवर हुआ, तो अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं करूं तो क्या करूं। अच्छा। क्योंकि ना फंड हाथ में, पैसा कुछ भी नहीं, सब खत्म, टोटल लॉस। ये वो टर्निंग पॉइंट होता है किसी भी इंसान की लाइफ का, कि जहां से वो दो चार चीज़ें उसके जहन में आ जाती हैं कि यार मैं ड्रग एडिक्ट हो जाऊं, मैं भीख मांगूं, मैं मतलब चोरियां करूं, या कुछ नहीं बचता तो सुसाइड कर लो। लिटरली मैं ये बता रहा हूँ कि मैं उस जगह पे पहुँच गया था मेंटली तौर पे, और ये मेरी लाइफ का हिस्सा है। बैक कैसे आए, फिर लाइफ की तरफ कैसे आए? बस करने को कुछ था नहीं। अच्छा, फिर एक छोटी सी जॉब मिली मुझे,
मतलब मैं जब फोटोग्राफी करता था तो मैं 6 डिजिट में कमाता था। अच्छा। वो जो जॉब मिली मुझे 4 डिजिट की मिली। ठीक है। तो अच्छा, मैं चूंकि हाथ का खुला खर्च का भी आदी हूँ, सेविंग्स मुझसे होती नहीं है, सीधी सी बात है। तो अब 8-1 महीने मैंने वो जॉब की, मतलब लिटरली ये मैं आज बता रहा हूँ, बिल्कुल खुल के बता रहा हूँ कि मैं आंसुओं से रोता था कि मैं कहाँ फंस गया। लेकिन एक चीज़ मेरे जहन में रहती थी कि यार ये जो सेकंड लाइफ अल्लाह ने दी है ना, तो इट मींस के तुम बहुत आगे जाओगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे मीडिया की फील्ड का कुछ नहीं पता था कि ये फील्ड है क्या, नथिंग, कुछ भी नहीं पता था। मैं ऐसे कंप्यूटर पे बैठा, एक एप्लीकेशन पे, मैंने कहा कि चलो देखूं मैं कोई, यार कोई जॉब से रिलेटेड कोई काम कोई, क्योंकि वो दिमाग थोड़ा कारोबारी टाइप का था, तो मैंने कहा कुछ सेटअप देखता हूँ कि शायद कहीं कुछ सिलसिला बन जाए। तो वो सर्चिंग करते 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 वो एक जगह पब्लिक सर्विसेज के उसमें कॉलम में जो है वो एक जगह ये आया कि जी ड्रामों में काम करने के लिए नए चेहरों की जरूरत है। जैसे डिफरेंट होता है कि हम जो है वो न्यूज़पेपर उठा लेते हैं और रैंडमली देखना शुरू कर देते हैं। सही। अच्छा, तो मैं बस पता नहीं क्या दिमाग में आई, मैंने कहा यार अदनान तुम्हें अब तुम्हारे पास बिजनेस का तो कुछ बचा नहीं है, तुम तो बिल्कुल फारिग हो और जॉब तुमने करके देख ली, तो इधर ही किस्मत आजमा लो। तो यूं मैंने उस कॉन्टेक्ट पे कॉल की, उन्होंने मुझे बुला लिया, तो यूं एक सिलसिला बना। उसके भी बहुत सारी बातें, मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो लोहे के चने तो मुझे यहाँ भी चबाने पड़े, ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे मुझे कोई बहुत, हाँ, जॉब या काम कहीं भी स्टार्ट करें आपको स्ट्रगल तो करना पड़ता है। बिल्कुल, स्ट्रगल आपकी जिंदगी का एक मेन पॉइंट है, अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। एक लाइफ का एक होता है कि किक कहाँ से मिला। बस मैं बता रहा हूँ ना, मुझे बस मैं जब उन्होंने फर्स्ट टाइम एक फिल्म की शूट पे भेजा, नाम ले लूँ फिल्म का? हाँ, श्योर श्योर। फहद मुस्तफा की फिल्म बन रही थी, एक्टर इन लॉ। ठीक है। तो मैं उसके एक सेट पे चला गया। अच्छा। मुझे तो ये नहीं पता था कि स्पॉट बॉय क्या होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर क्या होता है, सेकेंड एडी क्या होता है, लाइन प्रोड्यूसर क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था इस फील्ड का। मैं कभी इसका इसकी शक्ल देख रहा हूँ, कभी उसकी शक्ल देख रहा हूँ। तो पैसे वैसे तो मिलने नहीं थे, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भाई कुछ अरसा आपको फ्री में काम करना पड़ेगा, जबकि एक बंदा जिसके पास पहले ही कुछ नहीं है जेब में, और फिर भी मैंने यस किया, मैंने फिर भी यस किया, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं ना पीछे, या तो मैं रोडों पे भीख मांगू। तो मैंने कहा चलो यार यहीं कुछ कर लो, क्या पता, अल्लाह पे भरोसा किया, चल पड़ा। बस वो जो सेट के ऊपर 2 टाइम का खाना और 2 टाइम की चाय थी, वो मेरा बजट होता था, और कुछ पैसे पेट्रोल की मद में मिल जाते थे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं चलता रहा। मैं आर्टिस्टों को देखता था सेट पे, अगर मैं फिलर्स में हूँ सपोर्टिंग पे, तो मैं सिर्फ आर्टिस्टों को देखता रहता था, उनकी एक्टिंग को पिक करने की कोशिश करता था। फिर जब 2-4 महीने के बाद मुझे मौका मिला एक ड्रामे में कि यार ये 6-8 लाइनें आपने देनी है, जब वो फर्स्ट टाइम मैंने परफॉर्म किया तो बाकायदा क्लैपिंग हुई वहाँ पे। अच्छा। कि यार बेहतरीन हो गया, तुमने तो बहुत अच्छी टाइमिंग से बोला, जबरदस्त। तो फिर वो, फिर ये कहना चाहिए कि अपना भी दिल बढ़ा, हिम्मत आई, और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो फिर मैं करता गया। मेरे ख्याल में, मुझे नहीं याद कि कोई चंद एक शायद कोई लीड आर्टिस्ट रह गए हैं जिनके साथ मैंने परफॉर्म नहीं किया हो, और जिन सब के साथ मैंने किया है बाकायदा मुझे अप्रिसिएशन मिली हैं, अब बाकायदा मुझे करेक्टर्स मिलते हैं। Good. तो मैं तकरीबन तमाम एंटरटेनमेंट चैनल्स पे काम कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली 4 दिन पहले मैं जे डॉट का कमर्शियल करके आया हूँ। अच्छा। वो अभी 14 अगस्त पे ऑन एयर होगा, उसमें आप, इसमें एक ट्रेडिशनल करेक्टर में हूँ मैं, वो आप देखिएगा। तो अभी मैं बहुत सारी चीजें ओपन नहीं करना चाह रहा, क्योंकि चलेगा तो फिर नजर आएगा, हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है शाजिया। शाजिया, मुझे ये बताएं कि एक्टिंग का शौक था, मजबूरी थी, कैसे स्टार्ट किया, एक्टिंग की तरफ कैसे आई? मुझे एक्टिंग का बचपन से ही शौक था, चाइल्डहुड से ही मैं सबकी नकलें उतारती थी, स्कूल में भी टीचर्स की नकल उतारना, हर टैबलोज में हिस्सा लेना, ये मेरा बचपन से ही, यानी कि मुझे बहुत, लेकिन जो इस फील्ड में मैं जो आई हूँ वो अपने हस्बैंड की वजह से आई हूँ, क्योंकि पापा जो थे हमारे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे,
उनकी तरफ से अलाउ नहीं था हमें मीडिया में आना, लेकिन मैं फिर भी स्कूल में अपनी कॉलेज में ये सब जो ना ड्रामे वगैरह करके ना अपनी वो जो अंदर की फीलिंग थी ना एक्टर को आप निकाल लेती थी, वो जो एक्टर उबड़ उबड़ के बाहर आ रहा था उसको दबाने की कोशिश, वो मैं बस निकाल लेती थी। फिर ये हुआ कि जब मैं चाहती थी मेरे शादी के बाद मेरी एक बेबी या बाबा जो भी वो हो जाए तो फिर मैं स्टार्ट लूँ। फिर माशाल्लाह मेरी एक बेटी है, फिर जब वो हो गई पैदा फिर मैंने उस वो जब एक साल की हो गई तो फिर मैंने स्टार्ट लिया। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं आप शादी के बाद स्टार्ट लिया जी। अच्छा। मेरे हस्बैंड ने कहा पूरा करें। हुआ ये कि मुझे एक ऑडिशन की सब पता चला तो मैं ऑडिशन में गई, तो जब मैंने वहाँ अपना पहला कैमरे के सामने जो मैं आपको बता रही हूँ ना मैं थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे मैंने एक पागल औरत का कैरेक्टर किया उसमें। अच्छा। यानी उनको उसी वक्त जो उन्होंने सिचुएशन दी वो अलग किया अपने तौर पे। उन्होंने कहा आप किसके साथ आई हैं? मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी ऑडिशन देने। मैं कहा अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, कहीं जरा बुलाइएगा उन्हें। मेरे हस्बैंड को उन्होंने अंदर बुलाया, उन्होंने तीनों जजेस थे जो वो ले रहे थे ऑडिशन, वो खड़े हो गए और क्लैपिंग करके कहा कि आप इनको रोकिएगा नहीं, ये हमारे बहुत अच्छे पे। उन्होंने ही मुझे एक दो ड्रामे में आगे भेजा उन्हीं जजेस ने। फिर मेरा माशाल्लाह जियो से पहला ही मैंने ड्रामा जियो से किया। अच्छा। और फिर उसके बाद माशाल्लाह मैं करती चली गई और बहुत सारे कमर्शियल किए, और अभी राइट नाउ भी मैं स्टिल शूट कर कर आई हूँ परसों। okay. तो अल्लाह का शुक्र है कि फिर काम मिलता चला गया, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपका इंटरेस्ट और जो ना आपकी लगन और आपकी मेहनत, बिल्कुल ये तीनों चीज़ें अगर साथ लेके आप चलेंगे ना तो तरक्की तो फिर इंशाल्लाह लाजमी मिलनी है, तो अल्लाह का भी वादा है आपसे। बिल्कुल, आप मेहनत देखिए मस्ट है, आप किसी भी काम में मेहनत करेंगे कामयाब तो आपने होना है। अच्छा ना, एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक सवाल है, काफी सारे लोगों से मैंने ये सवाल पहले भी किया है, कोशिश करूंगा जवाब दे दूं सही से, देखिए सच जवाब देना है। हाँ हाँ, ठीक है। इस फील्ड में बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लोग बहुत ज्यादा इंटरप्ट हो जाते हैं आपकी लाइफ के अंदर, कोई ऐसी चीज जो आपकी लाइफ के अंदर इंटरप्ट हो गई, नहीं यार कि ये वाला मैंने जो रोल किया था या जो मैंने किया था ये वो मेरी लाइफ पे बड़ा असर अंदाज है, आप उसी तरह मूव हो गए, ऐसा कोई कैरेक्टर? नहीं, देखें मैं इसकी एक मिसाल यूं दे देता हूं कि एक्टर को ऐसा होना चाहिए कि जैसे एक सादा कागज, सादे कागज पे आप कुछ भी लिखोगे तो आपको स्पेस मिलेगा, लिखोगे आप, और एक कागज के ऊपर ऑलरेडी बहुत कुछ लिखा हुआ है तो उस पे आप क्या लिखोगे, जगह ही नहीं है। इट मींस कि किसी भी आर्टिस्ट को बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल एक सिंपल सा आदमी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मैं अब आपको यूं बताऊं कि मैंने अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा एक्सपीरियंस है 6 साल हो गए हैं मुझे अब इस फील्ड में। अच्छा। मैंने तकरीबन अंदाज़ा है कि 20 डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स परफॉर्म किए हैं। मैंने एक ड्रामे में जज का कैरेक्टर किया है। okay. जो अभी ऑन एयर होगा। मैंने डायरेक्टर का कैरेक्टर किया है, डॉक्टर, बिजनेसमैन, लॉयर, जर्नलिस्ट, कॉलेज प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, मैंने फिर गार्ड का कैरेक्टर भी किया, चोर का भी किया, डाकू का भी किया, ड्राइवर का भी किया, सब्जी वाले का भी किया। अच्छा। हीरोइनची का भी किया। अब मैंने इतने सारे कैरेक्टर्स कर लिए, मैं अपनी रियल लाइफ में तो इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। आ रही है बात समझ में? अच्छा, तो कोई चीज मुझे मतलब वो नहीं कर सकी। अच्छा, मुझे जो चीज आती है ना, कभी भी। मैं बिल्कुल एक सिंपल सा आदमी हूँ, अपनी रियल लाइफ में सादे से कपड़े पहनता हूँ और एक सोच भी सादी सी है, लेकिन जब स्क्रिप्ट सामने आता है तो वो कैरेक्टर ऑटोमेटिकली मेरे अंदर डेवलप हो जाता है। नाजरीन, आर्टिस्ट को होना भी ऐसा चाहिए कि आपके पास जो भी आपके पास रोल है या जो भी आपको दिया गया काम आपको एज इट इज़ वैसे करें। अदनान से और सुमैरा से हमारे ज़बरदस्त किस्म के हम कर रहे हैं गपशप, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे विद अस, टी टाइम विद बी। वेलकम बैक, अदनान से और शाजिया से हमारी मज़ेदार किस्म की गपशप चल रही है। शाजिया, ये बताएं कि मैरिड लाइफ में ये सारी चीज़ें देखना, एक एक्टिंग के पैशन में हैं आप, एक्टिंग करती हैं, तो ये कैसा, इसको आप कर लेती हैं मैनेज, सारी चीज़ें हो जाती हैं?
क्योंकि मैरिड लाइफ तो बड़ी टफ है भाई। डेफिनेटली। तो कैसे मैनेज करती हैं सारी चीजें? नहीं, करना पड़ता है बहुत चीजों का, जो जो आप आफ्टर मैरिज जब आप ये काम शुरू करते हैं ना, तो उसके बाद बच्चे भी होते हैं आपके साथ, आपके साथ हस्बैंड भी होता है, घर को भी लेके चलना होता है, और फिर जैसे सेट पे आप मौजूद हैं, डायलॉग हैं, ये वो, उस पर भी ध्यान रखना पड़ता है अपनी एक्टिंग पर। तो टफ तो होता है, लेकिन जब इंसान, वही बात है ना, मैंने आपसे कहा पहले भी, मेहनत और लगन और शौक, जब ये तीनों चीजें मिलती है ना, फिर कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगती, वो आप फिर करते चले जाते, फिर आप हर चीज मैनेज कर कर जो है ना अपनी आगे की लाइफ भी। मैं ये सोचती हूँ कि इंसान जब जो भी फील्ड हो ना, उस पर उसके घर असरअंदाज ना हो, कोशिश ये करें कि घर को भी तवज्जो दे। ये है कि हमें पहले उठना पड़ता है, क्योंकि बच्ची को भी मैनेज करना है, शौहर को भी मैनेज करना है, नहीं हम खाना भी बना के चले जाएं, कुछ मैंने काम वाली भी रखी हुई, लेकिन फिर भी आपको घर को मैनेज करना पड़ता है, और फिर यहाँ पे भी अच्छी परफॉर्मेंस दे। मैंने भी हर किस्म के रोल किए, कैदी का रोल मैंने किया है, टीचर का रोल मैंने किया है, और रिश्ते वाली का रोल किया है, डॉक्टर के काफी कैरेक्टर किए, तो फिर वहाँ आपको पता है डेफिनेटली डायलॉग याद करने पड़ते हैं, उनको जहन में रख के फिर बोलना पड़ता है, तो उस हर चीज को मैनेज रखकर चलना पड़ता है, और फिर अपनी भी ब्यूटी और हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। ब्यूटी, अरे ब्यूटी तो बड़ा जबरदस्त, आपने मुझे एक क्वेश्चन दे दिया, मतलब ब्यूटी कॉन्शियस है? नो, मतलब ऐसा होता है कि हम सेट पे गए, यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये मेरा गेटअप वैसा है तो वैसा होना चाहिए था। मैं अब इस पे आपको, अच्छा आपको क्वेश्चन मुकम्मल कर लें, कुछ और, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे पास ऐसे भी मौजूद हैं जो बड़े ही ब्यूटी कॉन्शियस है ना, आप भी हैं ब्यूटी कॉन्शियस? नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने अभी क्या अर्ज किया कि मैं एक बहुत सिंपल सा इंसान हूं। अच्छा, जब मैं इस फील्ड में आया था ना, तो बस मैंने बताया कि एक्टिंग का कोई शौक ना तब था ना आज तक, इस वक्त तक भी नहीं है। अच्छा, अभी तक एक्टिंग का शौक कोई शौक नहीं है, मैं इसको प्रोफेशन बाय प्रोफेशन लेके चलता हूँ कि यार काम करूंगा दो पैसे मिलेंगे, तो यही मेरी रोजी रोटी है, कोई अदर मेरी जॉब नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन अल्लाह ताला मुझे घिरने नहीं देता कभी भी। एक चीज हो गई। अच्छा, सेकंड चीज अब आ जाए इसके ऊपर, मैं जब फील्ड में, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं लोगों की, मैं असल में ना माहौल से देख के उसमें से कुछ स्पेशल निकालने की कोशिश करता हूँ, ये मेरे अंदर गॉड गिफ्टेड सलाहियत है। अच्छा, मैं देखता था लोग कैसे आ रहे हैं, किसी ने मूछें रखी हुई है, दाढ़ी मूछें रखी हुई, ये वो सब कुछ जो भी था जेंट्स में, मैंने रखी फ्रेंच कट। अच्छा, अच्छा जब मैंने फ्रेंच कट रखी तो लोग मुझे सब वो इंडियन एक्टर अमिताभ बच्चन से मिलाने लगे, और हमारे एक बहुत अच्छे सेलिब्रिटी हैं हनीफ साहब, मोहम्मद हनीफ, जिनको हनीफ बच्चन बोलते हैं, तो अक्सर ड्रामों में मेरा उनके आमने सामने, जिसे कहते हैं, टाकरा हुआ है एज ए कैरेक्टर में, तो बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, तो लोग एक उनको बोलते एक मुझे बोलते। अच्छा, वो मैं चलता रहा काफ़ी अरसे, वो मेरा गेटअप चलता रहा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा था उस वक्त। अच्छा, फिर कुछ अरसे बाद जब मैं थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ, काम अच्छा करने लगा, अप्रिसिएशन मिली, तो फिर मैंने कहा यार, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि यार कोई भी ड्रामा या फिल्म के अंदर दो कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक या तो हीरो, उसको लोग देखना पसंद करते हैं, या विलन, ठीक है, बाकी बीच के सब सपोर्टिंग में होते हैं, ठीक है ना, उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती जो हीरो की और विलन की होती है, ठीक है, मिसालें मौजूद हैं इंडिया से लेके पाकिस्तान तक, एक बात। अच्छा, फिर मैंने ना 2-2.5 साल पहले एक ड्रामा था हम चैनल का, जेबाइश, तो उसके बुशरा आपा के साथ, हाँ, तो उसमें उनके एक खास बंदे का करेक्टर मुझे मिला, तो मैं चला गया फ्रेंच कट में, डायरेक्टर उनके हस्बैंड इकबाल हुसैन साहब थे, वो मुझे यूं देख रहे हैं, कह रहे हैं यार इस करेक्टर के लिए ये नहीं चाहिए, या तो इसको रिमूव करो, मुझे रख लो, वो हल्की थी, मैंने कहा ठीक है, उसी उसको किया, बस वहां से फिर एक दिमाग में बात आई, मैंने कहा, वो चूंकि करेक्टर भी नेगेटिव था, वो फर्स्ट टाइम मुझे एक नेगेटिव टाइप करेक्टर मिला था, फिर मैं गेटअप चेंज करता गया, अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, अब ये मेरा गेटअप इतना स्ट्रांग हो गया है कि मैं आपको क्या बताऊं कि अभी एक चैनल के रमजान ट्रांसमिशन शो में गया, शहरयार मुनव्वर उसको कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ इस गेटअप के ऊपर मुझे एक गिफ्ट दिया बुला के स्टेज पे। फिर मैं दानिश तैमूर के प्रोग्राम में गया, तो दानिश तैमूर ने मुझे मेरे जो है ना बहुत अच्छे कमेंट्स दिए कि सर आपका गेटअप आउट क्लास है, तो ये मैंने खुद ही कर लेता हूँ, बस वो जो दिमाग में आती है ना कि यार अब ये रखना है, और मैंने अब जो जितने ड्रामों में मैं करेक्टर्स कर रहा हूँ वो मैं नेगेटिव करेक्टर कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि विलन हो, लेकिन करेक्टर में नेगेटिविटी होनी चाहिए, लुक वाइज ये चीजें
तो वो अभी उससे मुझे काफी जो है ना नेचर वाइज कैसे हैं, वैसे नेगेटिविटी में है या हम्बल पर्सन है? नहीं, ये तो सामने वाला बताएगा जो जिसने मुझे भुगता होगा। अच्छा, मुझे एक ना जबरदस्त सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये बताएं कि बहुत सारी ना चीज़ें हमारी लाइफ में नई नई होती हैं, तो जब हम किसी नए फील्ड में आते हैं, नई जगह पर आते हैं, तो हमारे लोगों से अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये बताएं कि अफेयर कितने चले हैं अब तक? यार ये तो अफेयर अब तक कितने चले हैं आपके? नहीं, सीरियस अफेयर तो कोई भी नहीं है। मतलब रैंडम सारे आते गए और चले गए, ये बस ये दुनिया ही ऐसी है मेरे ख्याल में। क्योंकि हम लोग जो है ना, वो जो कहते हैं ना इश्क मोहब्बत जो दिखाते हैं स्क्रीन पे, ये सब बेकार की बातें। बेसिकली हम एक दूसरे की जरूरत है। Exactly, मैं जो समझता हूँ तो वो एक वक्ती सब कुछ होता है, ठीक है ना। यहाँ तो हार्ट ब्रोकन बहुत होता है, हर बंदे का एक टाइम होता है, एक पीक होती है टाइम। हाँ, होता है। हाँ। लेकिन पता है क्या, वक्त के साथ साथ ही आपको अकल भी आती है, हो जाता है, फीलिंग्स हो जाती हैं। आप एक बिल्ली का बच्चा भी पालते हो तो आपको तो उससे भी फीलिंग्स हो जाती है। बच्चे में और इंसान में नहीं, यही मैं समझा बताना चाह रहा हूँ कि वो एक जानवर होता है। तो और मतलब मोहब्बत कह लें या जो भी अफेयर कह लें, उसकी सिर्फ एक ही वो नहीं होती है, उसके कई रूप हो सकते हैं। तो अगर आप एक बिल्ली का बच्चा भी पालते हैं और अगर कोई घर का ही फर्द आप उसको कुछ तंग करे, तो आप उस छोटे से एक जानवर के लिए आप अपने उससे लड़ जाते हो, तो हकीकत है। लेकिन ये सीरियस अफेयर कभी भी नहीं हुआ? वन साइडेड तो बहुत रहे वन साइडेड तो बहुत रहे, ये जुमला बड़ा अच्छा लगा मुझे। क्योंकि जो फील्ड है ना, नहीं अफेयर जो है ना वो होता ही वन साइडेड है। अच्छा, कभी टू साइडेड नहीं हुआ? वो नहीं, वो हमेशा बेवकूफी बनाया गया हमेशा बेवकूफी बनाया गया और हम बन जाते हैं क्योंकि हम कहते हैं हमें भी तो टाइम पास करना। हां, मैं यार ये बड़ी गलत बात है कि हमें भी टाइम पास करना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट थे मैं? हां, बात पता है क्या, बात ये नहीं कि अगर आप अच्छे नंबरों से पास हो रहे हो, ए ग्रेड या ए प्लस ला रहे हो तो ही आप अच्छे हो। जरूरी नहीं है, क्योंकि वो बास टाइम ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छे हो, सब कुछ है, लेकिन अगर आपने सब कुछ अच्छा किया हुआ है, लेकिन जो हमारे यहाँ जो माहौल है, पता चलता है जिन मार्क्स कट गए, नंबर कम दे दिए, अब आप किससे लड़ोगे जाके, क्या आपका सब कुछ अच्छा किया हुआ भी चला जाता है? ठीक है, ये चीजें हमने देखी है। सही है, तो दुनिया में अभी मैं क्या बताऊं, मैंने अभी एक बहुत सारे ऐसे लोग जो दुनिया में गुजरे हैं जिन्होंने वक्त का धारा मोड़ा है, तारीख का, और मतलब जहां से मतलब इंसान का लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया पूरी दुनिया में, वो लोग बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे, लेकिन कुछ गॉड गिफ्टेड सलाहियतें थी उनके अंदर, तो वो आज देख लें उनका नाम है। बिल्कुल। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में ना काफी सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा हायर एजुकेटेड नहीं है, लेकिन आप देखें उनका नाम है, मकाम है, फेम है, बाकायदा लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका, मैं तो एक ही बात कहती हूँ जी, आप एजुकेटेड हैं नहीं है, आपका वेल मैनर होना ना बहुत अहमियत। बिल्कुल, देखिये ये चीज आपको, ये तरबियत मिलती है आपको घर से। बिल्कुल, ये घर से मिलती है। माँ का कैरेक्टर अपनी जगह पर होता है, लेकिन माँ जो है किसी भी फैमिली के अंदर वो घर गृहस्थी में होती है। एक्चुअल जो इसमें कैरेक्टर किरदार होता है वो आपके फादर का होता है। बिल्कुल, कि वो फादर से ही आपकी जो है सारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अगर आज मैं कुछ भी हूँ तो वो मैं शायद अपने फादर की वजह से हूँ, ठीक है ना। और देखें, एजुकेशन का हासिल करना, बहुत सारे बहुत ही हाई क्वालिफाइड लोग हैं लेकिन बदतमीज टाइप के कह सकते होते हैं, कि मतलब आपका दिल नहीं करता कि यार मैं, मतलब उनके अंदर बहुत ज्यादा प्राउडनेस होती है कि यार मेरे पास तो गाड़ी है, पैसा है, ये है, वो है, तो वो आपको अपने करीब भी नहीं आने देते, ठीक है ना। असल चीज होती है कि आप माहौल से सीखो, जिस माहौल में, अगर आपने माहौल में रह के भी कुछ नहीं सीखा तो फिर सबको आपकी तालीम वालीम सब बेकार है। मैं समझता हूँ सब कुछ बेकार है। सर्टिफिकेट है वो साथ लेके नहीं चलता। Exactly, को नहीं पता कि मेरी क्या पोजीशन भी जा रहे हैं, तो हम अपने सर्टिफिकेट तो साथ नहीं लेके जाएंगे ना। आपकी जो मैनर्स होते हैं, जो आपने सीखे होते हैं, मैं तो यही समझती हूँ तालीम से हर के, मैंने ऐसे से पढ़े लिखे भी जाहिल देखे। यार अब देखिए, हमारी इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो नहीं है वेल एजुकेटेड, लेकिन आप उनसे मिले तो आपको लगेगा कि यार पता नहीं क्या इनकी एजुकेशन है, ये कहाँ से पढ़ लिखे हैं, बहुत इम्प्रेस होते हैं उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नाम लेना चाहूँगा, मैं इस इंडस्ट्री में हमारी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, सबा कमर। सबा कमर, बिल्कुल। मेरा दो दफ़ा मौका मिला उनके साथ करेक्टर परफॉर्म करने का। आप यकीन करें कि वैसे भी अच्छी लगती थी वो मुझे,
लेकिन जब उनके साथ मुझे करेक्टर परफॉर्म करने का मौका मिला और फिर कुछ टाइम मिला गपशप करने का, यकीन करें मैंने उन जैसी बंदी नहीं देखी कि मतलब कोई, मैं कहता हूँ एटीट्यूड नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, बल्कि सेट के ऊपर अगर कोई जूनियर आर्टिस्ट नहीं परफॉर्म कर रहा तो वो उसको गाइड कर रही हैं और इतने पोलाइट तरीके से ना कि मतलब आप ना चाहते हुए भी उनके फैन हो जाओगे कि यार ये, हालांकि कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है, नाम है दुनिया भर में, पाकिस्तान की पहचान है वो, लेकिन माशाल्लाह लगता ही नहीं है कहीं से कि यार, वरना बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं कि वो क्या बोलूं कि दो चार ड्रामों में काम किया, जरा सा कुछ हुआ तो वो उसके बाद ऐसे हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या बन गए। तो एक एटीट्यूड आ जाता है ना इंसान के अंदर कि नहीं मैं आर्टिस्ट बन गया हूं, मैं आर्टिस्ट हूं, मुझे हर एक से नहीं मिलना चाहिए। नॉर्मली आपको बिल्कुल सिंपल रहना चाहिए। हाँ, करेक्टर है आपका किसी भी किस्म का है, बदतमीज टाइप का करेक्टर है, नेगेटिव है, वो एक आप अपने करेक्टर के अंदर है, ठीक है, वहाँ वो चीज अलग है। अगर उस करेक्टर में आप उस करेक्टर के मुताबिक परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आता। लेकिन जब आप कैमरे से हट जाएं, सही है, जब तो उसके बाद आपको बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान होना चाहिए। एग्जैक्टली, देखिए आपके जो रोल हैं या आपको जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं वो तो आपने निभाना ही है, बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात ये है कि उसकी जो भी नेगेटिविटी है वो आपके अंदर ना आए। बिल्कुल। अच्छा दार, कुछ छोटे से सवाल आते हैं हमारे पास, ठीक है, आपके पास छोटे सवाल आते हैं, मिलेंगे सॉरी मजेदार किस्म के सवाल आते हैं, ठीक है, सवाल करती हूँ आपसे, उसे मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है। अगर आप रिक्शा ड्राइवर होते तो रिक्शे के पीछे क्या लिखवाते? रिक्शे के पीछे क्या लिखवाते? हाँ, उसके पीछे क्या लिखवाते? बहुत सारी चीजें मैंने लिखी भी देखी हैं, अगर वो उसी में से बता दूं मैं, हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। हिम्मत है तो पास कर, ठीक है। अच्छा एक और सवाल में आपसे, यार ये तो बड़ा आपने नेगेटिव टच सा मुझे आंसर दे दिया, हिम्मत है तो पास कर, कुछ नया लिखवाएं, कुछ नई क्रिएटिविटी लेकर आएं? अच्छा नहीं, अब नहीं, एकदम सोचना तो आसान नहीं होगा, लेकिन कुछ सोच रहा हूँ कि मैं, यार मैंने एक बड़ा अच्छा वो शेर था, बड़ा मजेदार। अच्छा, रिक्शे के पीछे और बसों के पीछे ना शेर भी लिखे हुए होते हैं बड़े जबरदस्त, कोई इस किस्म का कोई शेर याद है? नहीं, इस वक्त तो बिल्कुल ब्लैंक हो गया, मैं नहीं याद आएगा, मैं अभी बीच में आपको बता दूंगा, नो टेंशन। अच्छा एक और छोटा सा सवाल करती हूँ, एम्बुलेंस के पीछे चांद बना हुआ होता है, ठीक है, वो क्यों बना हुआ? ये जो हिलाल अहमर का, आई थिंक। बिल्कुल करेक्ट आपने मुझे आंसर किया है। अच्छा बहुत सारे लोगों से मैंने ना आउट ऑफ कैमरा भी मैंने लोगों से सवाल किए, तो कहते यार वो इसलिए बनना वो होगा कि जो अंदर लेटा हुआ है ना वो अभी गया कि कभी गया। तो उसने चांद पे थोड़ी जाना है। तो मरेगा तो चांद से, चांद से ऊपर चला जाएगा, चांद पे जाना है। अच्छा दूसरा मैं सवाल, वो कौन सा बैंक है जहाँ से पैसे नहीं मिलते? वो कौन सा बैंक है, वो कौन सा बैंक है जहाँ से पैसे नहीं मिलते? बेगम का पर्स ही होगा। बेगम का पर्स नहीं, नहीं बेगम का पर्स नहीं है। अच्छा रियल में बैंक है वो? रियल में बैंक, ब्लड बैंक। एग्जैक्टली, ब्लैक बैंक, ठीक है। अच्छा एक और सवाल आपसे करती हूँ, अगर गर्लफ्रेंड को कोई गिफ्ट दें आप, ऐसा कौन सा गिफ्ट देंगे जो आधा आपके पास आ जाए? गर्लफ्रेंड को ऐसा गिफ्ट दूं जो आधा आप मेरे पास ही आ जाए, उसको बिरयानी की एक प्लेट खिलाऊंगा, आधी खुद खा लूंगा। ये गलत है, मतलब ये बिरयानी गिफ्ट होती है, ये तो आम खाने में आ जाता है। अच्छा हाँ यार, ये बड़ा मुश्किल सवाल हो गया, ये तो मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है। असल में गर्लफ्रेंड कभी बनाई नहीं है ना सीरियस, तो वो कभी सोचा भी नहीं इस तरह, मतलब जिंदगी में कभी भरी ही नहीं, मतलब वो यूं, अच्छा यूं कह रहे हैं कि उसको एक परफ्यूम गिफ्ट दूंगा और जब मिलेगी उसी लेके उसी को मैं भी लगा लूंगा, तो आधा मेरे पास भी होगा। बहुत अच्छा नाज़रीन, मजेदार किस्म की गपशप चल रही है हमारी अदनान के साथ और शाजिया के साथ। एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद शाजिया से भी कुछ मजेदार किस्म के सवाल करते हैं, सो स्टे ट्यून्ड, टी टाइम विद मी। वेलकम बैक, टी टाइम विद मी, आपको खुशामदीद कहती हूँ। मज़ेदार किस्म की गपशप चल रही है, हम सब मज़ेदार किस्म की बातें कर रहे हैं। और अच्छा काफ़ी टाइम के बाद ना मेरे ऐसे गेस्ट आए हैं जिनके साथ मैंने बड़ी मज़ेदार किस्म की बातें की हैं। अच्छा कुछ सवालात मैं शाजिया आपसे करूँगी, ठीक है। मुझे ये बताएं कि दौलत और शोहरत मिल जाने के बाद किस चीज़ की ख्वाहिश बाकी रह जाएगी? देखिए इन दोनों से जो बड़ी चीज़ होती है वो इज्जत। बस मैं कहती हूँ दौलत और शोहरत तो मिले लेकिन साथ में इज्जत के साथ मिले, तो
इंसान, क्योंकि आपको पता है मशरकी उसमें रहते हमारा, तो हमें इज्जत बहुत हम लोग की नाजुक होती, बस इज्जत अगर मिले ना तो फिर वहाँ जहाँ इज्जत ना हो, मैं कहती हूँ वो जगह ही छोड़ दो, वहाँ रहना ही नहीं चाहिए। चाहे वहाँ दौलत भी होगी, शोहरत भी आपको मिल रही होगी, लेकिन अगर इज्जत नहीं है ना तो छोड़ देनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने मुझे आंसर किया। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा जो फील्ड है ना, तो हमारा फील्ड ही ऐसा है कि इस इन चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में लिया जाता है, तो ऐसा कुछ सीन है आपके साथ भी? हाँ है, नेगेटिविटी पॉइंट में बहुत ज़्यादा जाती है, क्योंकि यहाँ आपको पता है मीडिया का यू नो कि क्या क्या है। यहाँ लोग जो है ना, अगर कोई इंसान तरक्की कर रहा होता है तो वो यही समझते हैं कि गलत उस पर, क्योंकि एक छाप लग चुकी है, एक ना हम माइंड सेट हो चुका है, नहीं यहाँ जो तरक्की कर रहा है ना गलत उससे ही आ रहा है। नहीं खाली देखें, मैं इस पे वो करूंगा, खाली मीडिया ही क्यों, हर जगह ही इसलिए कि मीडिया नजर आता है, नजर आता, बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं जो नजर नहीं आती, तो उनका पता नहीं चलता। हम तो मतलब पब्लिक फिगर्स बन रहे हैं ना, लोग हमें चेहरे से जानते हैं, सड़कों पे आते जाते पहचानते हैं, तो मुसीबत वाले से बात करेंगे ना। बिल्कुल, एक मैं तो कहता हूँ गली मोहल्ले में भी सारे एक जैसे लोग नहीं रहते। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे, क्या जवाब देंगे इस चीज का? लेकिन हम इस फील्ड को ज्यादा पॉइंट आउट किया जाता है ना, नजर आता है ना, वही आपकी बात नजर आती है तो ज्यादा पॉइंट ऑफ लोग ये है, क्योंकि दिख रही है टीचर जो कर रही है, अगर वहां कुछ हो रहा है या किसी बैंक में कुछ हो रहा है वो नहीं पता चले, लेकिन जब मीडिया में कुछ हो जाएगा फौरन पता, पब्लिक को पता चले। इसलिए बस अच्छा बदनाम हो रहा, एक फेस है ना, हमारे फेस का वैल्यू है, तो आप लोग अगर कुछ अच्छा करेंगे तो भी पब्लिक उसको देख रही है, अगर आप कुछ बुरा करेंगे तो भी पब्लिक उसको देख रही है। तो मैं तो एज अ जो है वो एंकर, एज अ होस्ट, आपसे मैं ये कहूँगी कि आप जो भी अच्छी या नेगेटिव कैरेक्टर जो भी करते हैं ये आपका काम है, आप अच्छा लोग उसको देखिए अडॉप्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। कभी ऐसा हुआ आपके साथ जो आपने कैरेक्टर किया है उसको लोगों ने अडॉप्ट कर लिया हो? अब ये तो इतना, मैं असल में देखें मैं एक बात हूँ, मेरी जो अपनी लाइफ है ना, मेरी मतलब लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मैं ये सब नहीं सोचता बिल्कुल भी, और ना मेरी इतनी कोई मतलब फ्रेंड्स का सर्किल है। अच्छा। मेरा 20, मैंने क्या बताया कि मैं बाय प्रोफेशन इस मीडिया में हूँ, मैं 24 आवर मेरा सिर्फ एक ही काम होता है कि मैं अपने कॉन्टेक्ट्स में घूमता रहता हूँ, सिर्फ काम की तलाश में, बाकी अदरवाइज के यार वो चार दोस्त आ गए तो बैठे हुए होटल पे गपशप कर रहे हैं, मेरी कोई नहीं। अगर मेरी थोड़ी बहुत, अब क्योंकि जाहिर है हम लाइफ के अपनी उम्र के उस हिस्से में है कि अब हमारे पास तजुर्बे करने का टाइम नहीं, नहीं है, सही है ना, अब जो चल रही है लाइफ उसी को चलाओ और इम्प्रूव करने की कोशिश करो। तो इतना, एक तो पहली बात है कि मीडिया से हट के टाइम ही नहीं मिलता, 12-12 घंटे की 12 घंटे की शूट्स नॉर्मली होती हैं, कभी कभी वो 24 घंटे पे भी चली जाती हैं, तो हमारी तो मतलब जो समझ लें कि हमारे रिश्तेदार भी मीडिया में ही हैं, किसी को हम कुछ बात बोल देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, तो हमारा, और जाहिर है जिस सर्किल में आप अपनी लाइफ का बेशतर हिस्सा गुजार रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, वही लोग आपके समझने के अच्छे बुरे हैं, क्योंकि अगर अभी आपको वही हो जाता है ना, क्योंकि अगर अभी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो मेरे घर से तो कोई नहीं आएगा मुझे बिल्कुल कैरी करने के लिए, या कोई दोस्त आएगा, जो लोग होंगे वही मुझे संभालेंगे, सीधी सी बात है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमें होना ही इस तरह चाहिए। और अच्छी बुरी फील्ड देखिए, ये दुनिया है, अगर सब कुछ दुनिया में अच्छा हो तो जन्नत और दोजख का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए, सीधी सी बात है, हमें एडजस्ट करना पड़ता है, सही है ना। आपके सामने दो चीजें रख दी जाए कि यार ये कम बुरी है ये ज्यादा बुरी है, तो डेफिनेटली आप कम बुरी पे हाथ रखोगे, क्योंकि आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है, सही है ना। तो जाहिर है आपको एडजस्ट करना पड़ता है अपने आप को हर तरह से, अगर आपने करना है, और नहीं करना है तो फिर आप ये ना सोचें कि यार मतलब शौक भी रखते हैं और पीछे भी हटते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप एक तरफ हो जाएं, पिंग पोंग ना हो, कभी इधर कभी उधर, ये ना हो बस। ज़बरदस्त किस्म की हमारी बातें चल रही हैं और काफ़ी इंजॉय भी कर रही हूँ, क्योंकि हल्की फुल्की जो गपशप है ना वो हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अदनान, अपना कोई लास्ट मैसेज आप जो पब्लिक को देना चाहें? पब्लिक को फील्ड के हिसाब से देना चाहूँ? हाँ बिल्कुल ज़रूर। देखें जो भी लोग मुझे, मेरे पास ग्रुप में आते रहते हैं, मतलब कांटेक्ट करते रहते हैं, कोई नंबर कहीं से मिल जाता है, जी हमें एक्टिंग का बहुत शौक है, ये हम आना चाहते हैं, ये वो सब कुछ, तो मैं उनको एक ही मैसेज देता हूँ, क्योंकि मैं खुद उसी प्रोसेस से गुजरा हूँ, कि भाई ये फील्ड आसान नहीं है। अगर आप एक टीवी के ऊपर स्क्रीन पर लेट्स सपोज कोई 3 मिनट का सॉन्ग ही देखते हो ना,
तो अगर आप ये समझते हो कि यार बड़े मज़े हैं, बड़ा ज़बरदस्त है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो 3 मिनट का सॉन्ग भी एक हफ्ते में जाके शूट होता है, और उसकी बैकग्राउंड पे जितनी लोकेशंस नज़र आ रही होती हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ शूट होती हैं जाके, तो वो हमें देखने को मिलता है। वो 3 मिनट का निचोड़ के पीछे एक हफ्ते की मेहनत होती है। क्या क्या ख्वारियाँ काटनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, मतलब ये फील्ड इतनी आसान नहीं है। तो मैं खासकर उन लोगों के लिए कि जो सिर्फ ख्वाब देख के कुछ बनने की मतलब सोचते हैं ना कि हम कुछ बन जाएं, तो वो समझ ले के मजदूरी ही करनी है यहाँ पे, बल्कि मजदूर से ज्यादा मजदूरी करनी है इस फील्ड में, सही। तब जाके आप कुछ बनेंगे। मीन्स कि हर चीज में टफ टाइम है। और एक चीज और कि कोई भी हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, हमारी एज के लोग हों, कभी ये सोच के ना है कि जी हमने हीरो या हीरोइन ही बनना है। आप वो करेक्टर परफॉर्म करो कि आप अपने करेक्टर के हीरो बनो, कि लोग आपको उसके आपके करेक्टर से पहचाने, जबरदस्त। ना कि आप कहो कि जी मैंने मेन लीड पे ही आना है, मैं ये छोटा मोटा करेक्टर नहीं करूंगा, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस यही एक छोटा सा मैसेज है कि आना है तो चुप करके आए, और जो अगर आपको जैसा भी माहौल मिले उसमें अपने आप को एडजस्ट करेंगे तो तरक्की वक्त के साथ ही मिलती है। प्राइस बॉन्ड हर कोई खरीदता है इसी उसमें कि यार मेरा बॉन्ड लगे, लेकिन बॉन्ड हर किसी का नहीं लगता, ये ज़हन में रखिएगा। मेहनत तो भाई हर जगह पे जरूरी है। सो मेरा शाजिया, आपका एक जबरदस्त सा कोई मैसेज जो आप पब्लिक को, ये गर्ल्स को देना चाह रही हैं। गर्ल्स को तो खास तौर पे मैं ये मैसेज दूंगी, देखें लेडीज के लिए जो ना अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा ही रुतबा रखा है माँ का, और वो बहुत टफ है, ऐसी जन्नत नहीं है उसके पैरों में। तो लेडीज को टफ मसाइल में भी ना टफ हालात में भी आगे बढ़ना है, अपना वो छोड़ना नहीं है। देखिए ये आजकल मीडिया बहुत टेक्निकल दौर है, इसमें इस हिसाब से हमने चलना है कि जो ना हम आगे बढ़कर अपने बच्चों के लिए अपने लिए कुछ कर सके। बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैसेज हमें शाजी ने दिया। इस लास्ट मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त हो चुका है बिल्कुल ख़त्म, और बातें तो और भी बहुत हैं। नेक्स्ट टाइम अदनान आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगी क्योंकि काफ़ी सारी बातें ऐसी जो हमारी रह गई हैं, नेक्स्ट मुलाकात में हम इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच अदनान, आप आए, थैंक यू सो मच शाजिया आपके आने का। नाज़रीन टी टाइम विद मी में आज के एपिसोड तक इतना ही। नेक्स्ट टाइम आपको किसी और अच्छे स्टार से, किसी और अच्छे सेलिब्रिटी से मिलवाऊंगी। सो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।